तहरीके इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा है कि असद मजीद को डोनाल्ड लू के बयान पर रद्दअमल देना चाहिए। अगर साइफर नहीं था तो अमरीकी सफीर को बुलाकर डिमार्श क्यों कराया गया? शहबाज शरीफ 18 माह तक कहते रहे कि कोई साइफर नहीं, अगर साइफर नहीं है तो बानी पीटीआई पर केस किस चीज का है? केस है तो झूठ क्यों बोला गया? इस पर हुकूमत पर आर्टिकल 62-63 लगना चाहिए। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, मजीद क्या कहा यह देखते हैं। ये डोनाल्ड लू का तो मैं कभी फैन नहीं रहा, लेकिन वैसे इसने कल कांग्रेशनल हियरिंग में मंजी से ही ठोक दी है इस हकूमत की, क्योंकि 18 महीने तक मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ये कहते रहे ना कि कोई साइफर नहीं है, कोई साइफर नहीं है। तो अगर साइफर नहीं है तो अब केस इमरान खान पे किस चीज़ का चल रहा है? और अगर केस चल रहा है तो फिर आपने झूठ क्यों बोला? क्या झूठ बोलने पे 62-63 शहबाज शरीफ साहब पे और उनके हुकूमत पे नहीं लगना चाहिए? आपने फिर किस बुनियाद पे डिमार्श किया अमेरिका के सफीर को बुला के? अगर